अस्सलाम वालेकुम। देसी होम कुकिंग से मरियम शहजाद का सलाम हो। अक्सर देखा गया है कि हमारे जो सिंक है, हम उनकी सफाई तो कर लेते हैं क्योंकि बाज़ार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हम सिंक की सफाई कर सकते हैं, क्योंकि सिंक को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने आपको होम रेमेडीज़ में बहुत से तरीके बताए जिससे आप घर की चीज़ों के साथ ही आप सिंक को, टब्स को साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके फॉसेट जो हैं, यानी कि टूटी नल जो होते हैं आपके, इसके ऊपर ये देखें, अगर इस तरह का मैल जमा हो गया है, गंद जमा हो गया है, जंग लग गया है इस तरह, तो आप इसको साफ किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको इसकी भी होम रेमेडी ही बताएंगे कि इसको आप बिल्कुल न्यू किस तरह कर सकते हैं। आपको चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर देखा गया है कि इस तरह के फॉसेट जैसे ही होते हैं, हम लोग फ़ौरन ही इनको चेंज कर देते हैं, लेकिन हम आपको इसी को ही बिल्कुल न्यू करके बताएंगे कि किस तरह हम इनको साफ़ कर सकते हैं। तो चले इसको हम साफ करने का तरीका आपको बताते हैं। जो चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर ये देखें, आम घरों में खाई जाती है कैचअप, बच्चों की बड़ों की बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि हम फ्राइज के साथ इसको खाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे जिससे हमारे ये जो फॉसेट हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्लीन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो फॉसेट था इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया, इस पर हमने जो कैचअप थी अच्छे तरीके से हमने इसको लगा दी, और इसके ऊपर के जो हिस्से थे ये देखिए, हमने इनको उतार के रख दिया ताकि ये जो अंदर जो जंग लग गया हुआ है इसको हमने साफ़ करना है। तो इसको साफ़ करने के लिए हमें इनको उतारना ज़रूरी थे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इनको उतार कर अच्छे तरीके से हमने कैचअप जो थी हमने इन पर लगा दी। इसको हमने तकरीबन 1 या 2 घंटे तक हम इसको लगा रहने देंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह साफ हो गए हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने जो दूसरा फॉसेट था हमने इस पर भी अच्छे तरीके से लगा दिया। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदा है, एक साइड से बहुत साफ था और एक साइड से ये देखें बहुत ही गंदा था। इस पर हमने अच्छे तरीके से ये देखें इस तरह करके हम कैचअप जो है अच्छे तरीके से लगा देंगे हर तरफ, ताकि बिल्कुल साफ हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखें, और अब हमने इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे तक हम इसको छोड़ देंगे, या अगर आप ओवरनाइट लगा कर रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। ये देखें, इस तरह करने के बाद अब हम इसको लगा रहने देंगे। अब यहाँ पर हमने जो कैचअप लगाई थी देखे अच्छे तरीके से, अब इसको 1.5 से 2 घंटे हो गए लगे हुए। अब हम इसको ये देखें, आपने एक ब्रश लेना है पुराना सा, और इसको आपने अच्छे तरीके से इसकी सफाई करनी है, जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये गंदा है। थोड़ा सा लिक्विड भी हमने ये देखें इसमें डाल दिया, ताकि अच्छे तरीके से हम इसकी सफाई कर सकें। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा था और जो जंग लग गया था पानी लगने की वजह से, आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये साफ़ हो गया है। देखें, कुछ देर हम इसकी सफाई करेंगे ब्रश की मदद से ही यहाँ पर। ये देखें अच्छे तरीके से कवर हमने इसके उतार लिए थे ताकि हम इसकी अच्छे तरीके से सफाई कर सकें। ये देखें इस तरह, अब हम इसको धोएंगे अच्छे तरीके से साफ पानी के साथ, फिर आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कैचअप के साथ हमने इसको अच्छे तरीके से कैचअप लगाई, और इसको हमने 1.5 से 2 घंटे तक हमने इसको रखा। अगर आप ओवरनाइट रख सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा साफ़ होगा। ये देखें, यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा हमने जो लिक्विड था वो लगाया, और इसको अच्छे तरीके से हमने ये देखें इसकी सफाई की। आप देख सकते हैं कि जो कुछ देर पहले तक बहुत ही गंदा था, अब देखें बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गया है। इसके जो कवर थे इनको भी हमने अच्छे तरीके से धो लिया, ये देखें बिल्कुल न्यू हो गए हैं। आप 15 दिन में 10 दिन में अगर आप इसको इसी तरह साफ़ करती रहेंगी तो आपके जो फॉसेट हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, नल जो हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, गंदे नहीं होंगे, क्योंकि पानी के जो डॉट्स हैं वो भी लग जाते हैं, और साथ ही इनमें पानी लगने की वजह से जंग भी लग जाता है। तो इसी तरह ही आपने जो हमने आपको रेमेडी बताई, इसी तरह आप इसमें इसको यूज़ कीजिए, और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा और बहुत ही क्लीन जो है
ये हमारे हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये रेमेडी, ये टिप जो है आपको पसंद आए कि दुआ में याद रखिएगा। देखें बहुत ही कम वक्त में हमने जो अपने फॉसेट थे बहुत ही ज़्यादा साफ और न्यू कर लिए। दुआ में याद रखिएगा। आपके साथ फिर किसी नई रेसिपी, किसी नई टिप के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।